जी मैडम बिस्मिल्लाह। आज हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में रूल्स फॉर चेंजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में सीखना है। तो ये रूल्स के सेट टू जो होता है ना, जिसको सेट टू हम कहते हैं, ठीक है, इसको किसमें तब्दील कर देते हैं, आस्क में या इंक्वायर्ड में, ठीक है। सेट टू को आस्क या इंक्वायर्ड में तब्दील कर दिया जाता है, इसके अंदर, इसको, इसमें या इसमें। नॉर्मल आप आस लगा दें तब भी ठीक है, रिक्वायर्ड लगा दें तब भी ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ इंटरोगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय असर्टिव। इससे क्या मतलब है कि जो इंटरोगेटिव का ऑर्डर है, सवालिया को बयानिया में बदल देते हैं, असर्टिव होता बयानिया स्टेटमेंट्स में बदल देते हैं, ठीक है। क्यों? एक अंदाज से लिखा जाता है कि वो सवालिया रहे ही ना, वो बयानिया बन जाए, ठीक है। कुछ अल्फाज आगे पीछे किए जाते हैं तो जिससे वो बयानिया बन जाता है। अच्छा, अब वो कहते हैं नंबर थ्री पे, कहते हैं कि दैट इज नॉट प्लेस्ड इन द बिगिनिंग इन केस रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स इज स्टार्ट में स्टार्ट्स विद वो बार विद क्वेश्चन वर्ड्स। अच्छा, कहते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर क्वेश्चन वर्ड से, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड स्पीच, हु, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, WH फैमिली के एक मेरे स्टूडेंट ने एडिशन कर दी है, बहुत अच्छा किया बटन, ठीक है। तो ये WH फैमिली के जितने भी एडिशन होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, उनको जैसे कि ये क्वेश्चन वर्ड नॉर्मली कहते हैं, वो अगर उनसे अगर स्टार्ट हो रही हो तो फिर क्या होता है, दैट नहीं लगाया जाता। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो तो फिर क्या करते हैं, दैट को नहीं लगाते हैं, ठीक है। इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद अ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच अगर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही, पहले तो हमने बात की थी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट हो सकती है, कभी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकती है, इज एम आर वाज वर्ब से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, मेन वर्ब से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो अगर इनसे अगर स्टार्ट हो रही हो तो फिर इफ या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। वो इफ लिखा हुआ है उसको जरा क्लिक करो, नजर आ रहा है, इफ या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे रूल्स थे, कोई ओरल यस कमिंग। नंबर वन के क्या बताया था, सेट टू चेंजेस इनको इनटू आस्क या इंक्वायर्ड, ठीक है। इंटरोगेटिव का जो ऑर्डर है, इंटरोगेटिव की जो तरतीब है, सवालिया को बयानिया में बदल देते हैं, दैट इज उतना नहीं लगाया जाता अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही, जो नीचे लिखे हुए विच, हु, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली। थर्ड रूल, और अगर रिपोर्टेड स्पीच वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही हो तो इफ या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने दोबारा ये सारे को रिपीट कर दिया है, अगर ये आपको याद होंगे अच्छे तरीके से, आपके जहन में होंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आगे आने वाली एक्सरसाइज आप कर लेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो व्हाट्सएप पे मुझे भेज देते हैं, और चलो अपने ही स्टूडेंट्स होते हैं तो मुझे एक्सरसाइज करके भेज देते हैं, ठीक है। तो उसको देख के चलो, उसमें बेशक एक आधो का बीच में मिस्टेक्स होती है, लेकिन वेल डन, के एक इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। कम से कम कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट लेना बड़ा ज़रूरी है आप लोगों का, ठीक है। तो बहरहाल फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप लोग ज़रूर, आप तो लाइव पूछ सकते हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं, और वो लोग जो लाइव नहीं पूछ सकते वो फिर कमेंट सेक्शन में, मैंने ऑन किया हुआ है कमेंट सेक्शन, एनेबल किया हुआ है अपने चैनल में, तो ज़रूर वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ठीक है, जो कि मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस हवाले से आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है जी। तो इसके साथ ही ये है कि अगर आपको ये वीडियो या ये चैनल अच्छा लगे, अगर आपको सही समझ आ रही हो बात, तो सारी अंडरस्टैंडिंग की है ना, ठीक है। तो रात को मैं ऐसे यूके में एक अपनी रिलेटिव छोटी सी बच्ची थी, मतलब वो फिफ्थ क्लास की बच्ची होगी, उससे मैं बात कर रहा था, तो
उससे मैंने सारी डिटेल पूछी, हाउस योर स्कूलिंग सारा। फिर उसके साथ उससे मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा जी आपके वो नंबर पीरियड्स कितने होते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। वो शी वाज टेलिंग मी दैट इट्स अबाउट स्टार्ट्स एट 9 o'clock एंड इट एंड्स एट 3 o'clock ऑलमोस्ट टू 50 3 o'clock। तो कहती है आवर टीचर्स डू नॉट टीच अस। मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया, मैंने कहा आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। कहती है नो आवर टीचर्स डू नॉट टीच अस, आवर टीचर्स मेक अस अंडरस्टैंड। मैंने कहा एग्जैक्टली, आई माइसेल्फ बिलीव इन मेकिंग द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द थिंग्स। शी सेड आवर टीचर्स डू नॉट प्रोसीड, डू नॉट गो फर्दर, डू नॉट गो अहेड अंटिल एंड अनलेस स्टूडेंट्स understand the things। कि जब तक स्टूडेंट्स जो है वो चीजें समझ नहीं जाते, ठीक है, उस वक्त तक हमें टीचर्स जो है वो आगे नहीं लेके जाते, वो वहीं पे घुमाते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं तो फिर जो है वो आगे लेके जाते हैं, ठीक है। दूसरी जो कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा फील कर रहे होते हैं, हाँ जी हमको तादाद में ज़रा कम है, ठीक है, तो वो भी बता दो। मैंने कहा आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 20। उसने बताया कि 20 या 30 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास के अंदर, तो इट्स अ गुड स्ट्रेंथ, बड़ी आसानी से। अनदर थिंग आई आस्क्ड दैट वाज अबाउट द पनिशमेंट, व्हेन अ स्टूडेंट कोई मैसिंग कर रहा है, कोई शरारत कर रहा है, द स्टूडेंट इज नॉटी, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। तो शी सेड they are kicked out of the class, ठीक है, या they are put in isolation, उनको अलग कर दिया जाता है, उनको अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, या उनको मैंने कभी फिर उनके पेरेंट्स को बुला लिया जाता है, ठीक है, तो ये उनका पनिशमेंट सिस्टम है। एनीवे आई यू नो कीप गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अब्रॉड एज वेल हाउ दे आर टॉट। तो कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम मीट करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने की कोशिश करें, कि जिस अंदाज से जो है पूरी दुनिया में अगर उनके अंदाज अच्छे हैं तो ठीक है, तो वो भी अंदाज हम फॉलो करें, ठीक है बेटा। तो इसको लाइक भी करना चैनल को, सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलते रहे। हैव अ नाइस।